हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल 3 कॉस्मिक। मैं हूं तुषार, आपका स्वागत है कॉस्मिक बैटल रॉयल के एक और स्टैटिक बैटल में, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैटल स्टैटिक बनाता हूं और डेड बैटल बनाता हूं, सुबह में बोल देता हूं मैं तो उन्हें नहीं करने का भाई साहब। तो आज का खास बैटल है गोकू वर्सेस आरकेएस के बीच। कुछ बंदे हैं जो सोचते हैं कि गोकू इतना पावरफुल है कि वो किसी यूनिवर्स के गॉड को चीर फार के रख सकता है, तो क्या ये सच है या फसाना? क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना। तो हम यहाँ पर सिंपल देखेंगे आरकेएस के ओरिजिन को, गोकू की ओरिजिन को, आरकेएस के पावर्स को, गोकू के पावर्स को, और इतने चीज के आधार पर बताएंगे कि मैच में कौन जीतेगा। तो चलिए आज के कॉस्मिक बैटल रॉयल को शुरू करते हैं। तो वैसे तो गोकू की ओरिजिन काफ़ी लंबी है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा आपको। गोकू के क्रिएटर है अकिया टोकियामा। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 साल के गोकू को भेजा जाता है। जब वो अर्थ पर पहुंचता है तो वो बहुत वायलेंट और हरामी किस्म का बच्चा होता है, क्योंकि उसका नेचर वॉरियर नेचर का होता है। और गोकू सयान स्पीसीज का एक तरह से बोलोगे तो बहुत कम बचे हैं सयान स्पीसीज के कैरेक्टर, तो उन्हीं में से एक है। एक एलियन है, साधारण भाषा में बोलेंगे तो अर्थ के लिए वो। तो गोकू की शैतानियों के कारण सन गुहान, क्योंकि गोकू सबसे पहले सन गुहान को मिले रहते हैं, वही उसकी परवरिश करते रहते हैं, सन गुहान बहुत परेशान हो गए रहते हैं। लेकिन एक बार की बात है, जब सन गुहान उसको अपनी पीठ की टोकरी में लेकर के पहाड़ चढ़ रहे थे, तब वो उनकी टोकरी से गिर जाता है, जिसके कारण उसको खाई में गिर जाता है। लेकिन उसको कुछ खास चोटें नहीं आती, बस उसकी याददाश्त चली जाती है और वो बहुत ही सरीफ बच्चा बन जाता है। उसके बाद सन गुहान को पता चलता है कि जब वो फुल मून को देखेगा तो वो एक बड़े से जायंट एप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा। तो उसके लिए सन गुहान ने उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी, पर उसने एक बार क्यान को देख लिया और उसने अनजाने में ही सन गुहान को मार डाला। उसके बाद कुछ सालों तक वो जंगल में चला गया और उसके बाद वो मिला बुलमा से। उसके बाद उसने ड्रैगन बॉल ढूंढने शुरू कर दिए, जो इस एडवेंचर में उसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिले, जिनमें से एक थे मास्टर रोशी जो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाए। उसके बाद वो मिले गोकू का बेस्ट फ्रेंड, हाँ ठीक है ये ज़्यादा अच्छा है, गोकू के बेस्ट फ्रेंड से। कुछ समय बाद किंग पिकोलो का लखारू बेटा गोकू के बेस्ट फ्रेंड को मार डालता है, तो बदला के चक्कर में गोकू किंग पिकोलो के दोनों बेटों को मार डालता है। और उसके बाद किंग पिकोलो को चैलेंज करता है, ओला भी खलास कर देता है। तो लेकिन मरते मरते किंग पिकोलो अपने मुँह से एक अंडा छोड़ते हैं, टट्टी टट्टी दिख रहा था भाई, वो सीन जोर नहीं बोलूँगा। तो वहाँ फिर से एक नया कैरेक्टर जन्म लेता है, जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज एक मेन कैरेक्टर्स में से होता है, पिकोलो जूनियर। इसके बाद ड्रैगन बॉल्स को जमा कर लेता है, ड्रैगन सैरों को जगाता है और वो सब अपने सभी दोस्तों को फिर से जिंदा करवा लेता है। इसके बाद गोकू जाता है कामेगी के पास ताकि वो ट्रेनिंग ले सके उसे, क्योंकि उसको 23rd मार्शल आर्ट ट्रेनिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। उसे बहुत सारी इंजरीज होती है और वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो पिकोलो को हरा करके टूर्नामेंट चैंपियन बनता है। उसके बाद वो जीजी से शादी कर लेता है और यही थी ड्रैगन बॉल सीरीज की छोटी सी स्टोरी। इसके बाद की स्टोरी अलग अलग सीरीज में कवर हुई है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी जो बहुत टायर्ड में फेमस हुई है, उसके बाद ड्रैगन बॉल जीटी, वैसे ही एक फैन में एनिमी बहुत सारे हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। गोकू के फॉर्म्स के बारे में जानते ही होंगे, सुपर सैयन 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो मस्त दिखता है। उसके बाद गोकू का गॉड फॉर्म भी अभी अभी ताज़ा आया, कुछ महीने हो रहे हैं। और वैसे इसकी कुछ छोटी मोटी पावर्स देख लेते हैं यार हम लोग। सबसे पहले तो गोकू को टेलीपैथिक पावर्स रखता है, वो उड़ सकता है, सेल्फ हीलिंग मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है उसकी हीलिंग फैक्टर, और फ्यूजन डांस, स्प्रिट बॉम और इंस्टेंट मिशन वगैरह जो कुछ खास पावर्स हैं। तो वैसे तो ये हो गया, ज़रा देखते हैं किसने किस किस को मार डाला है सीधा ना। किंग पिकोलो, याकॉन, फ्रेजा, रेड रिवन की आर्मी के कई सोल्जर, डॉटसर्स, स्टाफ ऑफिसर ब्लैक, एंड्रॉइड 13, कैप्टन येलो, कूलर, लूसीफर, जियोसर, उसके बाद निंजा मासुकसुकी, हाइड्रा ड्रैगन, किकबू और ग्रैंडपा गोहन को भी मारा था यार, बहुत टायर्ड में रोया था। एनीवे तो ये तो हो गया हम लोग गोकू के बारे में, मैं जितना निकाला हूँ उतना मैं आपको बता दिया हूँ। वैसे उसके फॉर्म्स बहुत टायर्ड में है तो मैं फॉर्म्स के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जानते हो यार फॉर्म्स के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानते हो भाई लोग आप। तो अब उतरते हैं एक अच्छे खासे गॉड की तरफ। पहले तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्यों भिरा रहा हूँ इनको, दूसरी बार भिरा रहा हूँ साला गॉड के साथ कहीं भिरा रहा हूँ यार। तो ये तो हो गया गोकू का कर्मकांड। अब देखते हैं कैसे हम मारे आरकेएस की आरकेएस का जो ओरिजिन है वो मुझे ओरिजिन है नहीं, क्योंकि एक ट्रू गॉड है, पोकेमोन यूनिवर्स
का क्रिएटर है ये, पोकेवर्स का पूरी तरह क्रिएशन किया है ये, उसके गॉड्स का क्रिएशन किया है ये, जो टाइम कंट्रोल करते हैं, स्पेस को कंट्रोल करते हैं, जो एंटी मैटर या मैं बोलूँ डार्क मैटर को कंट्रोल करते हैं, उन गॉड्स का क्रिएशन किया है ये, लेक्स ट्राइब का क्रिएशन किया है ये, जितने भी पोकेमोन से उन सबका ये क्रिएशन किया, तो इसकी ऑरिजिन हमें कहाँ से मिलेगी? तो कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता इसकी ऑरिजिन। मैं एक फैन थ्योरी है जो इसकी ऑरिजिन को बता सकती है, तो उसी का हम सहारा लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो जब कुछ नहीं था, जब पोकेमोन यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तब एक पोकेमोन जिसका नाम है सेलेबी, वो पास्ट में ट्रैवल करती है, और जब कुछ भी नहीं था तब वहाँ एक अंडे को लेकर के आती है जो था आर्केस पोकेमोन का। कोई अलग अंडा नहीं है, एक ही अंडा था जिससे आर्केस निकला है, और जैसे ही वहाँ सेलेबी जाती है उस जगह वो वहीं मर जाती है। समय के परे, मैटर एंटी मैटर के परे, तो ये बार बार ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है? तो एक तरह से बोलोगे तो हर एक स्पेशल पोकेमोन वर्स में या एक पोकेमोन वर्स में एक आर्केस है। तो पोकेमोन का मल्टीवर्स अगर हम लोग को एक्सप्लोर कराया जाए तो उसमें कई सारे आर्केस मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो भी था। तो इसने दियालगा पालगिया को टाइम और स्पेस का पोकेमोन का क्रिएशन किया, जिराटिन जो डार्क मैटर पोकेमोन है। आगे जाने पर वैसे ये अर्थ का भी क्रिएशन करते हैं ये तीनों मिलकर के धीरे धीरे करके। तो आर्केस से ही सभी पोकेमोन्स का क्रिएशन हुआ है, तो इसीलिए किसी भी टाइम में कन्वर्ट हो सकता है। और हमने देखा भी है आर्केस अभी तक दो मूवीज में आ चुका है, और इसकी सबसे पहली अपीयरेंस गेम्स में हुई थी पोकेमोन डायमंड एंड पोकेमोन पर्ल में। तो पोकेमोन डायमंड की एंट्री ये बोलती कि इसने अपने हजारों हार्टों से पोकेमोन वर्ल्ड का क्रिएशन किया, और पोकेमोन पर्ल की एंट्री कहती है कि ये एक ऐसा पोकेमोन है जो सबसे पहले अस्तित्व में आया था। तो हो गया यार, आज इतना ही है। तो यहाँ पे सच्ची बताऊँ तो जीतने की बात होती है ना, तो देखो जन्म दोनों का हुआ है, ठीक है? अगर थ्योरी के हिसाब से तो जन्म दोनों का हुआ है, लेकिन फाइटर से ज़्यादा क्रिएटर पावरफुल होता है यार। कुछ भी बोलो, फाइटर से ज़्यादा क्रिएटर ही पावरफुल होता है। मेरा वोट और शॉट दोनों आर्केस की तरफ है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि आर्केस के पास कुछ ऐसे मूव्स हैं कि वो एक बार में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो चाहे तो अर्थ को या फिर किसी डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसने कई सारे डायमेंशंस बना करके अपने पोकेमोन्स को दिए हैं। डियाल्गा के पास टाइम डायमेंशन है, पालगिया के पास अपना स्पेस है, और जेराटिना के पास अपना अलग एक डार्क मेटल का वर्ल्ड है जो अपने रियल पोकेमोन वर्ल्ड का एक मिरर है। तो आप समझ ही गए होंगे कितना बहुत आया यार। मैं बाहर बोला यार, इसको ऐसा वैसे कैरेक्टर के साथ भिराओगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन गोकू को भी कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं ना है, काहे भूल जाते हो ये बात को। लेकिन तभी भी कुल मिला करके बोला जाए ना, तो इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का जो रॉयल विनर है वो आर्केस है। और अगर आपको एक स्पेशल ऑरिजिन वीडियो जैसे कुछ चाहिए तो बोल लेना यार, क्योंकि गोकू की तो बनी हुई है, नहीं देखे तो जाकर के देखो। और अगर आपको आर्केस की ऑरिजिन वीडियो चाहिए तो मैं थ्योरी के साथ और इसकी पूरी की पूरी जर्नी भी बता दूंगा आपको, वो भी मखना स्टाइल में। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हाँ जानता हूँ थोड़ा वो थोड़ा उतना फाड़ू टॉपिक नहीं था, लेकिन फाड़ दिए हम लोग। चलो तो जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बन जाओगे कार्मिक आवाज, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर, कितना बोल रहा हूँ ऐसा बोलूँ क्या, अ कॉस्मिक सुपर हीरो।